जिस गाड़ी में तुम बैठे थे उसका एक्सीडेंट हुआ है कि नहीं? देखिए आप समझने की कोशिश कीजिए, मेरा नाम हिम्मत मेहंदी नहीं है, मेरा नाम जीडी है। सीबीआई को ऐसे केस में दिलचस्पी? मुझे दिलचस्पी इस लड़की में नहीं। हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड क्राउड स्टूडियोज। दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर लंबे समय से दम ना दिखा पा रहे अजय देवगन की फिल्म दृश्यम 2 फाइनली रिलीज हो चुकी है सिनेमा घरों में, जिसे देखने के बाद फैंस बहुत ही ज्यादा खुश हैं। देखा जाए तो इस फिल्म को लेकर फैंस में लंबे समय से क्रेज बना हुआ था। अभिषेक पाठक के डायरेक्शन बनी इस फिल्म को पसंद किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि क्लाइमेक्स काफी धांसू और सस्पेंस से भरा हुआ है। वैसे रिपोर्ट्स की माने तो फिल्म ने रिलीज से पहले ही एडवांस बुकिंग के जरिए 4.5 से 5 करोड़ के बीच कमाई कर ली थी। ट्रेड एनालिस्ट का अनुमान है कि फिल्म पहले दिन अच्छी ओपनिंग करेगी, 12 से 15 करोड़ की कमाई करेगी। अब हालांकि कमाई कितनी होती है ये तो आने वाले कुछ घंटों में पता ही चल जाएगा। लेकिन खास बात है इस फिल्म का बजट। इस फिल्म का बजट सिर्फ और सिर्फ 50 करोड़ रुपए है। कैन यू बिलीव इट? मतलब सिर्फ 50 करोड़ रुपए। अगर देखा जाए तो इतने तो एक्टर्स की बॉलीवुड में फीस होती है 50 करोड़ रुपए, जहां अक्षय कुमार 80 से 90 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। लेकिन इस फिल्म की बात करें कि इस फिल्म के लिए किसने कितना चार्ज किया, तो सबसे पहले बात करते हैं अजय देवगन की, जिन्होंने तगड़ी फीस वसूली है। मतलब फिल्म के बजट की आधे से ज्यादा रकम तो उनकी जेब में गई है। देखा जाए दोस्तों तो फिल्म दृश्यम करीब 7 साल पहले यानी कि 2015 में आई। ये दृश्यम का सीक्वल है। फिल्म के पहले पार्ट ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई की थी। इस फिल्म को 38 करोड़ रुपए के बजट में बनाया गया था और इसने 110 करोड़ रुपए की कमाई की। रिपोर्ट्स की माने तो दृश्यम 2 में काम करने के लिए अजय देवगन ने 30 करोड़ रुपए लिए हैं। फिल्म का बजट 50 करोड़ रुपए है, यानी बजट का आधे से ज्यादा हिस्सा उनकी जेब में गया। वहीं बात करें तब्बू की, जिनका रोल काफी दमदार था, तो उन्होंने इस फिल्म के लिए चार्ज किया है 3.5 करोड़ रुपए। हालांकि वो भूलभुलैया 2 में नजर आए थे भी हाल फिलहाल में, जिसमें उन्होंने गदर मचा दिया था। अब बात करें श्रिया शरण की, जिन्होंने अजय देवगन की पत्नी का रोल प्ले किया है, तो इन्होंने चार्ज किया है फिल्म के लिए 2 करोड़ रुपए। अब बात करते हैं अक्षय खन्ना की। अक्षय खन्ना की एंट्री इस फिल्म में बहुत शानदार है और इनका सवाल जवाब लोगों के अंदर डर पैदा कर देता है। अक्षय खन्ना ने इस फिल्म के लिए चार्ज किए हैं 2.5 करोड़ रुपए। बता दें कि इस फिल्म में वो पुलिस वाले के रोल में नजर आए थे, जो अजय देवगन से जुड़े केस पर बारीकी से जांच करते हैं और अजय देवगन की क्लास लगाते हैं। अब बात करें अगर इशिता दत्ता की, तो उन्होंने चार्ज किया 1.2 करोड़ रुपए। वहीं सेकंड डॉटर की बात करें, अनु की बात करें, तो उन्होंने इस फिल्म के लिए चार्ज किया 50 लाख रुपए। ओवरऑल देखा जाए तो 40 करोड़ रुपए तो सिर्फ एक्टर्स की जेब में गए हैं। बाकी बजट जो 10 करोड़ बचा है उसमें प्रमोशन है, फिल्म की शूटिंग है और बाकी चीजें हैं। क्या लगता है कि फिल्म पहले दिन कितने करोड़ की कमाई करेगी? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच। देखते रहें बॉलीग्राउड स्टूडियोज़।